नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक खास सीट है मीरापुर। यहां पर जयंत चौधरी ने मिथिलेश पाल पर दाव खेला है, उनको यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के भोकरेड़ी कस्बे में मौजूद हैं, और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए जाट समाज के लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या है इनके मन में, जो प्रत्याशी उतारा है जयंत ने, कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को और टक्कर किससे होगी, तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं जाटों के मन की बात। ब्रजवीर सिंह नाम है जी। किसको जिता रहे हैं, सीधा सवाल है मीरापुर में। लोकदल के आदमी हम, जैसे टिकट दिया है मिथिलेश को, कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को? सही देख रहे, सही निर्णय है। हाँ सही निर्णय, प्रत्याशी ठीक है। हाँ ठीक है, काफी लोग लाइन में थे। हाँ ये चौधरी ने भेज दिया वही ठीक है। कोई नाराजगी तो नहीं होगी नहीं, कोई नाराजगी प्रत्याशी को लेके? नहीं, कोई नाराजगी पार्टी में नहीं, नहीं कोई जैसे प्रत्याशी इनको निराशा हाथ लगी, अजीत राठी थे, संजय राठी थे, प्रभात तोमर गुड्डू बस थे, वे बड़े नेता, उनका उन्हें पता होगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं हम तो कोई दिक्कत नहीं, जिताऊ प्रत्याशी है। हाँ जिताऊ प्रत्याशी, सिंबल लोकदल का प्रत्याशी बीजेपी की, बीजेपी। इसी बात को लेकर तो जयंत ने पार्टी छोड़ दी थी सपा, हाँ पार्टी अभी भी छोड़ दी, ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हुआ, और नहीं साथ है इसकी, फिर भी सही है। हाँ सही है, मतलब कुछ भी करें चौधरी साहब, हाँ जो चौधरी गड्ढे के में डाले साथ, तब भी जाएंगे हाँ साथ में। गड्ढे में जहाँ चौधरी के पीछे। अच्छा, क्या नाम है आपका? योगेश। आप भी जाट हैं? हाँ जी। कैसा निर्णय लिया चौधरी साहब ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निर्णय है भाई। हमारे यहाँ की सीट पहले से ही लोकदल की रही है और लोकदल पे ही जाएंगे, चाहे वो भाजपा में चले जाएं, चाहे वो सपा में चले। प्रत्याशी कैसी है? प्रत्याशी बहुत मिथिलेश अच्छी है, पहले भी यहाँ के लोगों ने जो है उनका काम देख रखा और जिताया भी है यहाँ से। उसी का लाभ मिलेगा, पहले जी विधायक रही है यहाँ बिल्कुल पे, बिल्कुल बिल्कुल, टक्कर किससे है? इससे ही होगी, कादिर राणा से ही, कादिर राणा की बहू है सुमूल राणा, उसी से टक्कर लग रही है। उसी से टक्कर लग रही है। अच्छा, जैसे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं हैं, नहीं नहीं क्या हमारे उन्हें भी यहाँ, टक्कर देना हमारे यहाँ नहीं कोई चलेगा प्रभाव आजाद। नहीं है? ना 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 मुस्लिम समाज किधर जा रहा है यहाँ पर? मुस्लिम भाई, तो उन्हीं मुस्लिम पे जा रहा समाज है, साइकिल पे तो जाएगा, साइकिल पे जाएगा, साइकिल पे जा साइकिल पे रहा जाएगा, उन्हीं से है मुकाबला। कैसा निर्णय लिया चौधरी साहब ने, बहुत देर की अरे भाई प्रत्याशी जो उतारने में? जो भी ले लिया भाई, जो लोकदल के भी तो लोकदल को देंगे, शुद्ध ही बात है, वो किसी को भेज वैसे दे, निर्णय ठीक था प्रत्याशी का, या कमजोर प्रत्याशी है? बस ठीक ही है भाई, पहले भी बन बलि गई थी यहाँ जो बलि तो ही है। हाँ अच्छा बलि है तो भलेपन का लाभ मिला। बस बस यही लाभ मिला वैसे है। ये बताइए, सिंबल लोकदल का और प्रत्याशी बीजेपी का, कोई बात नहीं, ठीक किया? बात भाई वो तो जब उन्होंने भेज दिया तो उसका तो ठीक ही नहीं ना, फिर वो आरोप क्या लगा रहे रहे हैं सोशल मीडिया पे, कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रत्याशी नहीं था जयंत के पास में। भाई, ये तो सब हर तरह के लगाओ, जहाँ इतनी बड़ी लाइन लग रही थी, जब तो इसी नंबर आया इसका, अन्य इसका नंबर आने लग रहा था, फिर जो इतने आदमी ना होते क्या गया इनके फेवर में मिथिलेश को, क्या देखा भाई, ये चौधरी साहब ने? पहले सिटिंग एमएलए रही भी और भली भी है, इसका विरोध नहीं होना, अच्छा, अगर फिर दूसरी जाति जुड़ेगी और जातियां मिल जाएंगी, पिछड़ी उससे जातियां भी अंतर है, उसमें है, उसका घुसपैठ अंतर। हाँ मिथिलेश पाल की बिल्कुल अच्छी है, अच्छी है। टक्कर किसे है? इससे ही होगी सपा से ही, सपा से टक्कर है, सपा से सपा से ही टक्कर है जी। नाराजगी है मिथिलेश को लेकर या सब अरे सब नहीं सब नाराज, ठीक है, सब सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, कोई नाराज नहीं, वहीं जाएंगे सब, सब वही जा रहे हैं, जो तो कितने खाने के हाल भी हैं, कितने भैया हैं? तो देता, समय बताओ, हम तो वोट देने वाले हैं। हाँ निकट जगह से सभी जाट हैं, सभी जाट, कोई नाराजगी निर्णय कोई को लेके? नाराजगी निर्णय नहीं, से सहमत है बिल्कुल सहमत। जो जयंत ने निर्णय लिया, हाँ जी ठीक है सब कुछ? सब बढ़िया, हमारे पापा से बात करो, नहीं ये नहीं करो, आप बताइए चौधरी साहब, नहीं जीतेंगे तो। जीत रही है मिथिलेश, विक्रांत, विक्रांत आप युवा हैं, जयंत ने सभी को चौंकाते हुए बिल्कुल अंत में निर्णय लिया है, मिथिलेश पर दाव खेला है, कैसे देख रहे हैं? सही निर्णय है जयंत चौधरी जी का, और यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं सब लोकदल के हैं, और उन्हीं का जो उन्होंने निर्णय ले लिया वही सर्वमान्य है। अच्छा, काफी लोग थे लाइन में, हाँ, काफी थे, मेरे ख्याल से 15-20 आदमी थे, सब टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में वही कैंडिडेट के हिसाब से मिथिलेश पाल को ही दिया गया, क्योंकि ये दूसरी जो जाति है उनमें पकड़ है इनकी थोड़ी सी, और जाट समाज इन्हें मिल जाएगा, इस जाट वजह। समाज की भी बहुत बड़ी डिमांड हो रही थी इस बार टिकट की, हाँ हाँ टिकट की हो रही थी क्योंकि इनकी भी। जाट यहाँ पे बलवंत सिंह के बाद बने नहीं, आप ही हाँ कहेंगे हाँ चौधरी हाँ साहब हाँ विधायक रहे हैं, हाँ जी, तो उससे कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई नाराज, टिकट को लेकर कोई 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 मैटर नाराज, ही नहीं है, टिकट कोई का मैटर, हर निर्णय में चौधरी साहब के साथ, हाँ जी साहब, चुनाव आ रहा, सीधी बात है, किसको जिता रहे हैं? भाई से जिताओगे मिथिलेश पाल को? मिथिलेश, क्या खूबी है मिथिलेश में? बढ़िया, पहले भी जीता ही, पहले जीती नहीं इनसे, इस बार चुनौती तकड़ी है, राणा परिवार की बहू आ गई है, पैसे वाले हैं, रसूलदार है, अजी सांसद पैसे रहे, विधायक भी रहे, और हिम्मत करेगा बड़े तो आज सही आएगा।
रिजल्ट नहीं मिथिलेश ही मिथिलेश जैन साहब है यहाँ बस मिथिलेश नहीं जैन था यहाँ तो जो भी है निर्णय लिया ठीक है जो लिया सही लिया उन्होंने हर हाल ना ना चौधरी को छोड़ेंगे नहीं जी मतलब चौधरी को देख के वोट करते हैं पार्टी देखते हैं हम प्रत्याशी को ये बताइए क्या लग रहा है निर्णय जो लिया जयंत ने बस ठीक ही लिया भाई ठीक ही लिया सही निर्णय है सही निर्णय है जो उन्होंने ले लिया वो सर्वोपरि अब तो सर्वोपरि है वैसे गलत निर्णय है तो गलत भी कुछ बतेरे लाइन में लग रहते हैं चौधरी को मिल सका था टिकट दिल टूटे हैं कुछ लोगों के कुछ के तो टूटे हैं भाई भीतरघात करेंगे वो नुकसान पहुंचाएंगे नहीं नुकसान तो भाई करने के नहीं पर दिल तो टूट ही रहे जैसे अजीत राठी थे संजय थे प्रभात तोमर गुड्डू थे काफी लोग चलाए मेरा मनागर भी थी यशिका चौहान बहुत लोग रामनिवास पाल थे टक्कर किसे लग रही है सपा सी होगी सुम्बुल राणा रजत रजत कैसे देख रहे हैं निर्णय को जयंत ने जो टिकट दिया मिथिलेश को बढ़िया दिया सही सही टिकट है सही टिकट कोई नाराज किसको लेके जैसे जाटो में आप रहते हैं क्या बात चल रही है टिकट को लेके जाटो में सही दिया सही टिकट है उन्हीं की तरफ है या कुछ लोग नाराज भी हैं उन्हीं की तरफ है कोई नाराजगी नहीं हर हाल में टक्कर किसे है कादिराणा से टक्कर है और ये रावण जो घूम रहे दबा के चंद्रशेखर आजाद हल्ला मचा रखा है नहीं कुछ नहीं केतली वो तो कह रहे हैं सब सारी पार्टी देख ली इस बार केतली तो नली चलेगा हाँ बट टक्कर ही नहीं की दो की है बस इसी की अच्छा जीत रहे हैं क्या हार रहे हैं कौन मिथिलेश जीत रहे हैं जीते लेकिन जाटों में कोई नाराजगी नहीं टिकट को लेके ना कोई ना सब ठीक है सब बढ़िया बढ़िया